देवास के बीराखेड़े में 19 अक्टूबर को खेत में हुए ब्लाइंड मर्डर केस में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। जी हां, देवास एसपी चंद्रशेखर सोलंकी ने पत्रकार वार्ता में हत्याकांड का बड़ा खुलासा किया। पुलिस ने बताया कि पप्पू उर्फ अंतर सिंह निवासी ग्राम टुगनी पिपला रावा क्षेत्र हाल मुकाम शांतिपुरा की हत्या हुई थी। मृतक की शिनाखत होने के साथ ही हत्याकांड के राज खुलकर सामने आ रहे हैं। प्रेमी विजेंद्र मीना और मृतक की पत्नी ने हत्या की साजिश रची हुई थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मीना और मृतक की पत्नी के आपस में प्रेम संबंध बताए जा रहे हैं। पत्नी ने मारपीट से तंग आकर प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची हुई थी। मृतक और आरोपी आपस में अच्छे दोस्त बताए जा रहे हैं। घटना से पहले दोनों ने पहले ढाबे पर बैठकर शराब पी, फिर बीराखेड़ी के पास से खेत में ले जाकर आपस में अनबन हो गई और मीना ने पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी। और साक्षी मिटाने के लिए पहचान के सारे दस्तावेज भी जेब से निकाल आरोपी विजेंद्र मीना अपने साथ ले गया। फिलहाल पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ कर रही है। इसकी जो हत्याकांड है उसका खुलासा करने के लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। मैं समस्त पत्रकार बंधुओं का हृदय से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, दिनांक 19 अक्टूबर की सुबह ये पता चलता है कि एक व्यक्ति जो चंद्रशेखर आज़ाद नगर निवास के पीछे मल्टी बनी है, वहाँ एक बद्रीलाल बुद्धा का खेत है, उस पर एक व्यक्ति का शव, अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है, जिसके सर से और नाक से खून बह रहा है। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचती है। थाना प्रभारी सिविल लाइन, थाना प्रभारी उद्योग क्षेत्र, सीएसपी अनिल सिंह राठौर, एडिशनल एसपी जगदीश डाबर, पूरी टीम वहां पहुंचती है और एक एक पक्षों का बारीकी से मूल्यांकन करती है। जब इसमें मामले की जांच कराई गई और ये पता कराया गया कि अज्ञात व्यक्ति का शव किसका है, तो इसमें हमारे कई मीडिया साथियों ने भी सकारात्मक सहयोग दिया और इस मृतक के फ़ोटो सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से जब भेजे गए तो पता लगा कि ये व्यक्ति पीपल रावा के टुमनी गांव का रहने वाला पप्पू उर्फ अंतर सिंह है। जब वो डिटेल में गए और पता लगाया कि ये इस व्यक्ति की हत्या के पीछे क्या वजह हो सकती है, तब इसमें जो कारण सामने आया वो मैं आपको बताता हूँ। इस पूरे हत्याकांड को सुलझने में एडिशनल एसपी श्री जगदीश डाबर के नेतृत्व में और सीएसपी श्री अनिल सिंह राठौर के मार्गदर्शन में एक टीम का गठन किया गया। एक टीम जो थी दिनेश चौहान थाना प्रभारी सिविल लाइन के नेतृत्व में कार्य कर रही थी और दूसरी टीम जो थी थाना प्रभारी उद्योग क्षेत्र विजय श्रीवास्तव के माध्यम से लगातार सक्रिय थी। इन टीमों ने इंदौर, उज्जैन और आसपास के क्षेत्र पीपल रावा सभी जगह लगातार गए। इसमें साइबर की टीम का भी इसमें उपयोग लिया गया और जब इस पूरे घटनाक्रम को देखा गया तब इसने ये पता चला है कि ब्रजेंद्र मीणा, जो कि मृतक का मित्र था और मृतक पूर्व में पीपल रावा के टुमनी गांव का रहने वाला था, वहां से ब्रजेंद्र मीणा और इनकी पुरानी दोस्ती थी। पप्पू उर्फ अंतर सिंह शराब पीने का आदी था और इसका एक मित्र भी इसके साथ बैठकर, ब्रजेंद्र मीणा भी इसके साथ बैठकर शराब पीता था। इन्हीं शराब की इस प्रवृत्ति के बीच में ब्रजेंद्र मीणा के मृतक की पत्नी, जिसका नाम दीप कुंवर है, उससे इनके अंतरंग संबंध स्थापित। बिल्कुल बिल्कुल आरोपी है, नहीं इसमें पूरा प्रकरण पंजीबद्ध है, उसकी FIR भी आप उपलब्ध करा दीजिए, कॉपी हमेशा रखा करें साथ में। इसमें हाँ, इसने ब्रजेंद्र मीणा और इसकी पत्नी दोनों ने मिलकर ये षड्यंत्र रचा, क्योंकि ये शराब पीने का आदि था, शराबी था और ब्रजेंद्र मीणा इसका मित्र था। मित्र होने के नाते इसका घर आना जाना था। कालांतर में इसके मृतक की पत्नी से अंतरंग संबंध स्थापित होते हैं। चूँकि ये शराब पीने का आदि था, तब इसकी पत्नी ने ये कि पति को ठिकाने लगाना है, इस तरह से दोनों ने मिलकर षड्यंत्र किया। जी ये अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है, अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उनका PR लेंगे। जी सुनील आपको बेहतर तरीके से बता पाएंगे इस बारे में। नहीं एक्चुअली ये देखा जाए तो इन दोनों की जो अंतरंग जो विषय था उसी के आधार पे ये पूरा डिटेल हुआ है। ये टुमनी गांव के रहने वाले हैं और टुमनी में इसकी 15 बीघा जमीन थी मृतक पप्पू अंदर की,
और वहीं पर ये ब्रजेंद्र मीणा जो था ये वहीं का था, शराब पीने की प्रवृत्ति थी, इसी शराब ने इन दोनों की मित्रता कराई और इसमें ये ब्रजेंद्र मीणा इसे घर आने लगा और ये घर आते समय इनके किस समय इनके अंतरंग संबंध हो गए, उसके बाद अंत में ये परिवार देवास शिफ्ट होता है। मृतक सौरभ मिल्क प्लांट में कार्य करने लगता है और 19 तारीख की सुबह इसका शव प्राप्त होता है। ये पीपल रावा के टुमने गांव से देवास में आता है, रहने लगता है और सौरभ डेयरी प्लांट में ये व्यक्ति कार्य करने लगता है। इसी बीच 19 तारीख की सुबह इसका शव प्राप्त होता है। जब समस्त कॉल डिटेल ली गई, डेटा उठाया गया और टावर लोकेशन देखी गई, उससे ये बात स्पष्ट हो गई कि उस रात को ब्रजेंद्र मीणा इसके साथ में था। घटना की रात इसके साथ था, इसके साथ बैठ के उसने शराब पी, उसके बाद जो स्थान इसकी पत्नी और इन दोनों ने मिलकर जो सहमति बनाई थी उसके आधार पर चंद्रशेखर आज़ाद नगर जो कॉलोनी के पीछे मल्टी बनी है, उस मल्टी के उस स्थान पर ये उस अपने मित्र पप्पू उर्फ अंतर सिंह उसको वहाँ ले गया और वहाँ पत्थर से सर कुचल कर इसकी उसने हत्या कर दी। इसका पूरा कॉल डिटेल CDR समस्त टावर लोकेशन से ये पता लगता है कि ये वहाँ था। हत्या के साक्ष्य छुपाने के लिए इसने उसके आधार कार्ड, उसके पैन कार्ड और उससे जुड़े हुए समस्त दस्तावेजों को अपने पास रख लिया ताकि शव का की शिनाख्त ना हो सके। जगह को इन्होंने देखा, ब्रजेंद्र मीणा ने इस बात को स्वीकारा कि मैंने उस घटनास्थल को पूर्व में विजिट किया, उसको आइडेंटिफाई किया, कहा मुझे इसको मारना है और उचित समय देखकर इसको शराब पिलाई। शराब पिलाने के बाद उस स्थान पर ले गया और वहाँ पर पत्थर से इसका सर कुचल के इसकी हत्या की। साथ में जो साक्ष्य थे, साक्ष्य मिटाने के लिए उसके पैन कार्ड, उसका आधार कार्ड, उसका ATM कार्ड, वो भी सब अपने साथ लेके चला गया। आरोपी बिल्कुल जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये जो हत्याकांड के पीछे अनैतिक संबंध जो है वो एक बड़े कारण बन के उभरे हैं। मृतक की पत्नी का मृतक के मित्र के साथ अवैध संबंध होना और इन्हीं अवैध संबंध की परिणति ये हत्याकांड हुआ। उनके कुशल नेतृत्व और CSP श्री अनिल सिंह राठौड़ उनके सफल मार्गदर्शन में थाना प्रभारी औद्योगिक क्षेत्र, थाने प्रभारी सिविल लाइन और अन्य साइबर की टीम ने इसमें मेहनत की है और इस मेहनत का नतीजा ये रहा कि बहुत ही कम समय में हम इस अनसुलझे अंधे कत्ल का खुलासा आज कर पाए। मैं गुरु नानक राइस मिल तरावड़ी से मलकी सिंह सभी प्रदेशवासियों को दिवाली और गुरु नानक देव जी के जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं। श्री गुरु नानक देव जी और लक्ष्मी जी की आप सभी पर कृपा बनी रहे। तरावड़ी राइस मिलर्स एंड डीलर एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट तथा गुरु नानक राइस मिल के चेयरमैन सरदार मलकीत इंद्र सिंह कम्बोज की ओर से सभी देशवासियों और तरावड़ी नगर वासियों को धनतेरस, गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के साथ साथ आप सभी को शुभ दीपावली एवं भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु नानक राइस मिल, गांव चोपी तरावड़ी, जिला करनाल, हरियाणा। संपर्क सूत्र 9896767700, 7082093700, 9468227222, 7027551000, 9050110009। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.
ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।